ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी धौलपुर की, जहां मनिया सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां मतदान कर घर वापस आने के दौरान पिता व दो पुत्र के साथ मारपीट की गई, और शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को कोर्ट से मिली जमानत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर राजस्थान के धौलपुर से, जहां जिले के कोलारी थाना इलाके के बसई नवाब कस्बे में मनिया सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से पैदल जा रहा युवक करीब 20 फीट तक हवा में उछल सड़क के किनारे जा गिरा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार की टक्कर से युवक करीब 20 फीट तक ऊपर उछलता हुआ नजर आ रहा है। घायल का उपचार जयपुर के SMS अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि जिले के नगला हरलाल गांव निवासी दरब सिंह पुत्र भगवान सिंह जाटो पैदल अपने घर लौट रहा था, तभी गांव के निकट ही मनिया सड़क मार्ग पर सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। युवक द्वारा सड़क को क्रॉस करते वक्त कार से टकराने से युवक फिल्मी स्टाइल में करीब 20 फीट ऊपर तक उछल गया, जिस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पार करते समय युवक ने कार को आता देख बचने के लिए भागते हुए उछलकर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन कार की रफ्तार अधिक होने के कारण जैसे युवक बचने के लिए उछलकर सड़क पार करने की कोशिश करता है, इतने में ही कार युवक को टक्कर मार देती है, जिससे युवक हवा में उछलता हुआ करीब 20 फीट तक दूर जा गिरता है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला गिरिडीह जिले के जमुना थाना क्षेत्र के चरघरा का है, जहां बीते दिनों 20 मई कोडरमा लोकसभा चुनाव के दिन एक ही परिवार के लोग वोट देकर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा पहला पक्ष तुलसी महतो व उनके दो पुत्रों व उनकी धर्म पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तुलसी महतो के सिर में गहरी चोट आई, वहीं दोनों पुत्रों के सर में भी गहरी चोट है। आनन फानन में ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को जमुना थाना ले जाया गया, जिसके बाद जमुना थाना प्रभारी ने घायलों की स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पीड़ित परिजन जमुना थाना पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और हमलावरों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की बात कही गई है। सी न्यूज़ भारत के संवाददाता ने दूसरे पक्ष के लोगों से बात करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। कहाँ घर है? धनियाली थाना जमुआ। माथा में आपको चोट कैसे लग गया? चोट लग गया जैसे वोट जगह आवरिए बाहर तो हम पहने घुस लिए, ऐसा दोनों हमारे पीछे हुआ ऐसा के टेकल के मारे ले महावीर काम दे भगल माता उसमें मुलाका देवी किरण देवी ऐसा टेकल के जब मारा लग रहा था हम पीछे धारा शिला लग रहा था धारा दौड़ के ही दौड़ के लिए तीस पकड़ लो पकड़ के तो वहाँ हम चिर गए तो हम वो मार दो। अच्छा, ये मारपीट क्यों हुआ आपको? ये केस चल रहा है वहाँ, ये एक दास के खाता दास खाता है उसमें केस चल रहा है, सिविल चल रहा है और एक सिविल चल रहा है। थाना जाए तो थाना कोई सुनवाई ना होगा। घटना जिस दिन हुआ उस दिन तो आप लोग का क्षेत्र में वोटिंग हो रहा था। हाँ, वोट हो रहा था ना 20 तारीख को। हाँ, कितना बजे घटना हुआ? 10 से 11 बजे। थाना गए थे आप लोग? थाना गए वहाँ दिखाया कैसे कैसे मारपीट हुआ देखा, कहिया ले जाओ हॉस्पिटल वहाँ जाँच पड़ताल करवा। आप लोग गिरिडीह में इलाज कब से करा रहे? ये 9 बजे आज 2-3 दिन से आप लोग यहाँ पे इलाज है। हाँ, इलाज हो रहा है। ये कौन है? ये हमारा लड़का है। और ये मतलब आप लोग तीनों को चोट लगा है? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? कुमार। और ये इनका तो सबको सिर्फ सर में ही चोट लगा और कहीं बदन में भी बीमारी है? क्या क्या चीज़ से आप लोगों का सम्मान टांगी मारा पत्थर मारा पत्थर से मारा टांगी से मारा टांगी से डंडा से डंडा जो इससे मिला हथियार मारा रड से भी मारा
लगे पर मारा पुराने लगी थी मारा बच्चा से अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हम लोग यहाँ भी आ गए तब लोग फिर हम लोग यहाँ रचवा आ गए फिर मारने शुरू किया था फिर मारने शुरू किया तो फिर चोट आ गई है आप लोगों का घर को भी नुकसान नुकसान दो नुकसान कर नया पुराना दोनों वहाँ से बोलता है कि घर में नहीं है कोई इसको मकान तोड़िए आ गया वहाँ से आएगा अभी नहीं सर फिर मारपीट करेंगे जहाँ पीछे रास्ता में देखेंगे वहाँ भी इसको जान से उठाने का धमकी देता है थाना पर जाते हैं थाना पर मेरा सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है चक्कर मारते रहे थाना पर दिए खोरी मैदान दिए एस पी पास दिए डी सी पास दिए गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है जहां जैसे जैसे मिस्टर एंड मिसेज माही के रिलीज होने की तारीख नजदीक आ रही है फैंस और दर्शकों के बीच इसी लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसके प्रमोशन का सिलसिला भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को प्रमोट करने के लिए इसके मुख्य कलाकार जाह्नवी कपूर जयपुर पहुंची। जाह्नवी ने दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जहां उन्होंने फिल्म अपने किरदारों और इसे लेकर अपने अनुभवों के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। So, बहुत ट्रैवल कर रहे हैं यू कैन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटीज सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड प्लीज टेल अस अबाउट योर मूवी। इट्स बीन वेरी हेक्टिक आई वोंट लाई। मुझे सुबह जब मैं उठी थी मुझे याद नहीं था कि मैं कौन से शहर में हूँ लेकिन फिर जब खिड़की के बाहर देखा तो तभी इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि मैं पिंक सिटी में हूँ जयपुर में हूँ राजस्थान में हूँ मेरे फेवरेट स्टेट में हूँ। हमने मिस्टर मुसलमानी की शूट एक्चुअली यही की थी इसी होटल में हम रुके थे शूट के दौरान और मैं पहले भी कह रही थी कि राजस्थान मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि धड़क मेरी पहली फिल्म भी मैंने यहीं शूट की थी और वो काफी सक्सेसफुल रही। सो आई होप मिस्टर मिसेस माही को भी आप वैसे ही प्यार देंगे क्योंकि ये फिल्म हमारे दिल के बहुत करीब है एंड आई प्रोमिस बहुत प्यारी फिल्म है। ऑलराइट थैंक यू सो मच एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेलर सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हैव योर आईज ऑन स्क्रीन। इतनी ईमानदारी से जिया है और कुछ बहुत स्पेशल क्रिएट किया है दूसरे के साथ तो आई थिंक वो एक सीन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि ऐसे लगा कि कुछ अच्छा क्रिएट किया हमने। जाह्नवी जी क्रिकेट पे बहुत सारी फिल्में आई है पहले भी आपकी बार जो फिल्म आई क्रिकेट पे आपकी इसमें कुछ आपको लगा डिफरेंस की कुछ ऐसा नया एक्सपीरियंस की। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। सहारनपुर के सरसावा में जाम लगाने और बिना अनुमति सम्मेलन के मामले में 14 साल बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आज अदालत में पेश हुए। वहीं सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं अदालत ने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिस पर उंगली उठे। उन्होंने कहा कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं पुलिस ने अभी इस मामले में जानकारी नहीं दी थी अदालत का फैसला मान्य होगा। वहीं नरेश टिकैत ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं को जमानत मिलने की जानकारी दी। जमानत मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। आइए जानते हैं इस विषय में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आगे और क्या कुछ कहा। भाई कोई 14 साल पहला मामला था कोई पंचायत हुई थी यहाँ से और उसमें कुछ होगी बातचीत नहीं प्रशासन ने सुनी होगी भाई चलो कोई रोड पर बैठ गए होंगे थोड़ी घंटे बाद 10-20 मिनट के लिए और तो कोई वैसी इतनी बड़ी बात नहीं और कोई पहले बताते हमें तो हम पहले भी आ जाते हमें कोई दिक्कत नहीं थी तो हमें तो परसों ही पता लगा भाई इस तरह की बात है और एक बद्दा मजाक करेगा भाई गिरफ्तार करके जाओ तो कोर्ट के हमेशा कोर्ट का सम्मान करे इस तरह की बात किसकी सोच रही क्यों इस तरह की वो करी ये मामला निकल गया नहीं ये तो पता नहीं है कुछ राजनीति तो प्रेरित है या क्या है मामला या नीचा दिखाने की बात है कि नहीं नगर डाउन करा जा कितने लोग इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं 30-32 आदमी बता रहे। अच्छा आरोप था कि बिना अनुमति के रोड जाम किया गया था नहीं एक तो बताओ रोड जाम की क्या अनुमति ली जा चलो किनी मोटी कुछ बात होगी नहीं प्रशासन ने सुनी होगी भाई इस तक तो कह दे शांति के तरीके से तो बात होती होगी
रोड जाम कहने वाले भी होंगे, उसे खुलवाने वाले भी जनता ही है। 5-7-10 मिनट बाद खुल गया, भी खुल भी गया होगा तो इसी। अच्छा, इसमें इमरान मसूर काफी सारे जो हैं इसमें नहीं, हमें जी हमें बताया नहीं किसी ने, भाई हमें तो कम से कम हमें बताते तो हम भी करवा लेते जमानत के जो ऐसी नौबत थी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि भाई जो कोई अंगली उठने वाली बात हो या कोर्ट की अवेल ना हो, भाई कोर्ट की हमें आज गए 24 तारीख का योगा आया था तो 24 तारीख में एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का मामला सामने आया, क्या कहते हैं कि राजनीतिक कोई स्ट्रेट या किसी तरीके की? नहीं, राजनीति में क्या फ़ायदा ले लेंगे, इसमें तो नुकसान ही होगा राजनीति में ना। अगर इस तरह की बात है तो एक जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा ऐसी बात होगा? एक ही तो तानाशाही रवैये, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है, जितने हैं इनमें रफा दफा करा जाए मामला। और उसमें तो इतनी भी बात हुई कही है, कोई बात हुई थी सपा की सरकार होगी शायद उस दौरान में, बसपा की थी, अच्छा बसपा की थी, तो उसमें हुई भी थी बात, अगर सरकार ने वापसी भी ले लिया केस तो फिर क्यों उठे ये, किसकी इसके पीछे किसकी वह है, किसके दिमाग की सोच है कि कोई इस तरह की वो कर रहा है, कुछ तो सह तो होगी। अच्छा, यूपी के साथ हरियाणा पंजाब के भी यहाँ किसान पहुँचे हैं, इनमें भी आप कुछ देखने को नहीं? एक तो बात है जो ये आदमी इस तरह की बात है तो ये सोच रहे कि भाई क्यों इस यह बात हुई, एक तोहिन है, एक तो ही नहीं, बातचीत होती रहे, मुकदमे चले, हमारा 302 का मुकदमा चला, 19 साल 10 महीने 11 दिन मुकदमा चला, हमें कोई एतराज़ नहीं हुआ, ना हमने कोई तारीख छोड़ दी ना कुछ हुआ है, बड़े शांति के तरीके से। ये क्या इस तरह था, एक ही उसमें पेपर में निकल नहीं रहे वो होना है, कितना बड़ा सारे लोगों में एक गुस्से का इजहार देख रहा है आदमी, तो फिर भी कोई बात नहीं, जनता शांत रहेगी और शांति तो हमेशा काम चलता रहा। पर क्या लगता है जमानत? बस देखो ये तो अधिवक्ता है, ये अच्छे में है, ये जाने आसीन की हुआ है। अध्यक्ष जी कचहरी पहुंचे थे, क्या कुछ रहा जमानत के लिए आए थे? 14 साल पहला मुकदमा था उसमें आते हैं, गिरफ्तारी के हो गया, तो हम यहाँ से अदालत में पेश हुए, यहाँ जमानत तुमसे कई बार चुनाव के बीच इस तरीके का माहौल बनाया गया है तो क्या कहेंगे? हरियाणा पंजाब के साथी पहुंचे हैं तो किस तरह से लग रहा है? इसमें चुनाव के बारे में नहीं, नहीं हरियाणा पंजाब से किसान पहुंचे हैं साथ में समर्थन के लिए, तो किसान को सारे को विरोध तो सारे को है। 14 साल बाद आपको इस चीज की जानकारी लगी है, क्या पहले से मालूम? हमें नहीं पता पहले, बीच में हमें कोई बता, आज आज कितने लोगों की जमानत हुई है अगर कुछ पता हुआ? किसान ही थे सब साथी? सब साथी किसान थे क्या? ठीक है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहगंज का मामला है, जहां 2 मई 2024 घर से निकली बुजुर्ग महिला लापता हो गई। महिला की उम्र लगभग 53 वर्ष बताई जा रही है। महिला का नाम कृष्णा देवी, पति का नाम बाबूराम, कद लगभग 5 फीट, रंग गोरा। वहीं परिजनों का कहना है कि हमारे द्वारा पूरी रिश्तेदारी व क्षेत्र में हर तरीके से तलाश की गई पर कोई पता नहीं चल रहा है। परेशान होकर क्षेत्रीय थाना रोजा में
सूचना पत्र दर्ज कराकर पति ने रोजा पुलिस से महिला की पता लगाने की गुजारिश की है। वहीं परिजनों का कहना है कि सभी क्षेत्रवासियों से हमारा निवेदन है कि हमारी मदद करते हुए कहीं भी कोई ऐसी महिला दिखाई दे तो तुरंत रोजा थाना पुलिस को सूचना पत्र देकर हमारी मदद अवश्य करें। हालांकि रोजा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? बाबूराम। गांव कौन सा? सहारगंज। क्षेत्र थाना? रोजा थाना। जिला? शाहजहांपुर। जी बताएं क्या मामला? हमारी घरवाली चली गई 2 तारीख को। क्या नाम है? कृष्णा देवी। तो आपका क्षेत्रीय थाना रोजा लगता है, इसमें कोई सूचना पत्र दिया आपने? हम रिपोर्ट लगाया वहाँ, तो उन्हें कागज दिए, फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं, आज 8-9 दिन से ढूंढ रहे हैं, 10-12 मोटरसाइकिल चल रही है, गांव गांव ढूंढते, पीलीभीत, बरेली, कनकपुर, मझोला सब ढूंढ चुके हम लोग। तो क्यों चले गए? कोई नाराज होके गए या कोई झगड़ा वगैरह की? नहीं, दिमाग कम था तो चली जाती चली जाती थी। अच्छा, क्या काम करती हैं वो? कोई से मांगने चली जाती थी, मांगने खाने का काम करती। तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हमें मिल जाए, जिस भैया को हमें मिल जाए वो, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हमें पता सूचना दे दे। मोबाइल नंबर 9121-54-45-80। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।